नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसी ऐसी जानकारियां छनकर बाहर आ रही है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि पुलिस को अब इस बात के पक्के सबूत मिल चुके हैं कि दिल्ली का दंगा कोई आम दंगा नहीं था। यह हिंदू मुसलमान के बीच कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, यह एक प्री प्लान दंगा था, एक कॉन्स्पिरेसी थी। और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। और इसलिए दिल्ली दंगा का नाम सुनते ही लुटियन गैंग और ये खान मार्केट गैंग के कलेजे में डर समा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का नाम सामने आया है जो दिल्ली के दंगों का चीफ कॉन्स्पिरेटर है, मास्टरमाइंड है, और वही हिदायत दिया कर रहा था इस पूरे सीए के आंदोलन के दौरान। वो लोगों को, पीएफआई के एजेंट्स को हिदायत दे रहा था कि अब तो हिंदू मुसलमान करना ही पड़ेगा। बहुत सारी हमारे पास जानकारियां हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के दंगों को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पे कोई आंच ना लगाए, कोई सवाल नहीं पूछे, क्योंकि अब तक 800 के आसपास केस को दर्ज किया गया है। 4000 लोगों को आइदर उसको डिटेन किया गया या गिरफ्तार किया गया है। इसमें हिंदू भी और मुसलमान भी हैं इक्वल नंबर में। जितने केस हिंदुओं पे हो रहे हैं उतने केस मुसलमानों पे, और इसलिए कोई ये छाती पीटता हुआ नजर आए कि ये तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से मुसलमानों को फंसाने के लिए इस तरह की जांच कर रही है, तो वो झूठ बोल रहा है। ये बात मैं पहले ही बता देता हूं कि 4000 लोगों में जिन्हें डिटेन या गिरफ्तार किया गया है उसमें 50-50, क्योंकि घर हिंदुओं को भी जले मुसलमानों को भी जले। शिव विहार का नज़ारा, और ये खास करके मैं आपको बता दूं कि कैपिटल टीवी के इन्वेस्टिगेशन ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, क्योंकि ये तो बता रहे थे, ये तो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये तो इस तरह से पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करना चाह रहा था कि दिल्ली में जो हुआ है वो प्रोग्राम था, जनसंहार था। मुसलमानों को पूरी तरीके से जो है पुलिस ने और हिंदुवादी संगठनों ने जनसंहार किया, ये बात नहीं है। और अब जो इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है वो चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही। पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं, और ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसका कोई काट नहीं है। जैसे बहुत सारे इन लोग के व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स को पुलिस ने अपने हाथ में लिया है, उसको डिकोड किया जा चुका है। पैसे को लेकर के, लोगों को लेकर के, फोन कॉल्स को लेकर के, और सीसीटीवी कैमरे के मदद से पुलिस ने, आप ये समझ लीजिए कि पूरा ये जो मिस्ट्री है कि ये दंगा क्यों भड़का, वो पुलिस ने मोटा मोटी इसकी पूरी कहानी को बना लिया है। इसके सारे किरदारों को पुलिस पहचान चुकी है, और ये बस कुछ दिनों की बात है कि इसके मास्टरमाइंड्स, ये तथा कथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो अब तक अपने चेहरे पर नकाब पहन करके घूम रहे थे, ये बेनकाब होने वाले हैं। क्योंकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ये बात बिल्कुल अब साफ हो गई है, जो बात कैपिटल टीवी लगातार पहले दिन से, जब से ये शाहीन बाग शुरू हुआ उस दिन से हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि ये लोग दिल्ली के अंदर दंगा करवा करके ही मानेंगे। और अब जो पता चला है कि ये कम्युनिस्ट और जिहादिस्ट, इनकी एक अलग किस्म की एक गठजोड़ सामने आई है जिसकी वजह से दिल्ली में दंगा हुआ। जो व्हाट्सएप ग्रुप मिला है इसमें मालूम चल रहा है कि पहली चीज कि ये लोग शाहीन बाग को छोड़ के ये लोग वहां कैसे पहुंचे, जाफराबाद में कैसे इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को टारगेट किया, इसको समझने के लिए आपको इनके पूरे मॉडस ऑपरेंडाई को समझना होगा। तो जो जांच से जो खुलासा हो रहा है उससे ये पता चल रहा है कि ये लोग तीन लेयर से ऑपरेट करते थे। जो पहला ऊपर जो लेयर था वो आइडियोलॉग्स का, इसमें प्रोफेसर है, इसमें जो मास्टरमाइंड है, ये सारे लोग जो सीए और सारा चीज को बकायदा थ्योराइज कर रहे थे, आइडिया दे रहे थे।
और दूसरे लेवल पे जो लोग थे वो लीडर्स जो जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा थे या आइडिया देने वाले सामने नहीं आते थे, ये तो आर्टिकल लिख रहे हैं अलग अलग अखबारों में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, अनर्गल थ्योरी दे रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सीए और एनआरसी आगे पीछे, ये बहुत सारी थ्योरी जो दे रहे थे। तो उनका एक अलग ग्रुप था और दूसरा वो जो इसके चेहरे थे जो शाहीन बाग में या मुंबई में पुणे में लखनऊ में जगह जगह जाकर के जो भाषण दिया करते थे, लोगों को ऑर्गेनाइज किया करते थे। और तीसरा जो लेयर था वो ग्राउंड वर्कर्स का था जो लोगों को इकट्ठा करना, आगजनी करना, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ों का, ये तीन लेयर में ये लोग काम कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अब तक मालूम चला है कि 3900 लगभग 4000 पीएफआई के हार्डकोर एक्टिविस्ट, आप या एक्टिविस्ट कहें या आप उनको कह लेंगे आतंकी, क्योंकि पीएफआई तो एक आतंकी संगठन है, यह तो सिमी का एक नया रूप है, कांग्रेस पार्टी को सिमी ने बकायदा उसको बैन किया था, वही लोग अभी पीएफआई नाम बदल करके ऑपरेट कर रहे हैं। तो पीएफआई के 4000 लोगों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है जो सीए के दौरान ये इस पूरे ऑपरेशन में ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसमें सुपर एक्टिव थे, और उनमें से 39 ऐसे नाम हैं जो इस दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व्ड हैं। अब ये कैसे मालूम चल रहा है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ाया तो व्हाट्सएप ग्रुप में मालूम चल रहा है कि तीन तरह की कमिटियां थी। एक स्पेशल कमिटी इस बात के लिए बनी थी जो ये डोनाल्ड ट्रंप के विजिट में किस तरीके से प्रोपेगेंडा करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, बवाल मचाना है, उसकी तैयारी, उसकी रूपरेखा तैयार करता था। और एक और स्पेशल कमिटी थी, ये अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से मालूम चल रहा है, एक और स्पेशल कमिटी थी जिसके पास इस बात की जिम्मेदारी थी कि आपको कहां कहां धरना प्रदर्शन करना है और कहां कहां ये सारी चीजों को करना है। और इसी व्हाट्सएप ग्रुप से मालूम चल रहा है कि जो मास्टरमाइंड है वो ये कह रहा है आपस में, इन लोगों का जो डिस्कशन चल रहा है कि शाहीन बाग में, अब तो शाहीन बाग में कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि धीरे धीरे शाहीन बाग का असर खत्म हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज भी, चूंकि ये प्योर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम प्रोटेस्ट बन गया था तो पॉलिटिकल पार्टीज भी पीछे हट गई क्योंकि इससे फायदा बीजेपी को हो रहा था, चुनाव भी हो गए, आम आदमी पार्टी भी पीछे हट गई, कांग्रेस पार्टी भी पीछे हट गई, तो ये लोग जो ये लेफ्टिस्ट लोग जो थे वो लास्ट लास्ट तक इनके साथ बने हुए थे और ये जिहादियों के साथ, इस्लामिस्ट लोगों के साथ मिलके ये योजनाएं बना रहे थे। और उसी दौरान ये जो मास्टरमाइंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जिसका नाम तो हमें मालूम है लेकिन वो अभी बता नहीं सकते क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये पुलिस की गिरफ्त में होगा और एक और नया बवाल मचेगा, लोग कहेंगे, छाती पीट पीट के कहेंगे कि भाई ये तो मोदी का विरोध करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ जो है ये विच हंट है, वो बात नहीं है, पूरे सबूत के साथ। तब ये सारे उसमें जो प्रोफेसर साहब है जो मास्टरमाइंड है वो ये कह रहा है कि नहीं अब तो हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, ये हिदायत दी जा रही थी और हिदायत ये देते थे सेकेंड लेवल के लोगों को और ये सेकेंड लेवल के लोग ग्राउंड वर्कर्स को जो है वो हिदायत दिया करते थे। तो हिदायत दे थी कि हिंदू मुसलमान करना है। तो आपस में इन लोगों का ये डिस्कशन होने लग गया कि शाहीन बाग तो बिल्कुल कमजोर पड़ गया है और इसलिए हम लोगों को ये जगह बदलना पड़ेगा और यहाँ पे बवाल नहीं मचा सकते, यहाँ पे दंगा नहीं करा सकते हैं शाहीन बाग में, वो इसलिए क्योंकि ये तो पूरा मुस्लिम इलाका है, हमको ऐसे ऐसी जगहों को पिन पॉइंट करना पड़ेगा जहां हिंदू भी हो और मुसलमान भी हो ताकि वहां पे बवाल मच सके। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है, जो खुलासा हुआ है उस खुलासे से मालूम चल रहा है कि इन शातिरों ने, ये वामपंथियों ने और ये इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई के लोगों ने दिल्ली में 19 जगह को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया था कि जहां पे हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। अब ये जो बवाल मचा जाफराबाद में,
अब आप देखिए किस तरीके, जो सबसे ज्यादा बवाल कहां मचिए, आप अगर यमुना विहार के जो मेन रोड पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग वहां पे जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है, तो ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो रोड के साइड में किया जा रहा था, और अगर बहुत ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर बंद कर देते हैं, तो ये पूरा भजनपुरा से लेकर के फिर इधर आगे शिव विहार का रास्ता ये सब बंद हो जाएगा। अब आप रास्ते को बंद करेंगे और अंदर मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, शिव विहार के साइड में तो बीच से जो मेन सड़क जा रही है उस सड़क के इधर हिंदू लोग रहते हैं, इधर मुस्लिम्स रहते हैं, अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसे बंद कर देंगे तो उसका तो रिस्पॉन्स होगा ही। और ये जो पुलिस पूछताछ कर रही है तो करीब जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने बाकायदा पुलिस में अपना ये बयान दर्ज किया है कि जब यहां पे ये लोग प्रोटेस्ट करने आए तब इन लोगों ने मना किया, लोगों ने इन ऑर्गेनाइजर्स को मना किया कि आप यहां पे मत करो, यहां पे दंगा भड़क जाएगा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी भी है मुस्लिम कम्युनिटी भी है। लेकिन इन्हें तो हिदायत दी गई थी, ये जो मास्टरमाइंड, ये जो साजिश रची गई थी कि इसमें ये सारा चीज किया जाएगा, तो ये जानबूझकर के किया गया ये सारा कुछ है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस के पास जो सारे ये जितनी बातें हो रही है वो सारे सबूत के साथ हो रही है। और तो और पैसा शाहीन बाग में इसलिए भी नहीं करना था क्योंकि वहां पे शाहीन बाग में जिस जगह पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था दो कदम पे पीएफआई का बकायदा ऑफिस है। और तो और एक और बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा हुआ है कि ये जो पीएफआई के लोग के पास 120 करोड़ रुपए ये पूरे इस सीए के नाम पे इन लोगों ने खर्च किए हैं। और जिन लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो हार्डकोर लोग जो इस दंगे के पीछे पड़े हुए थे, जो दंगे को करवा रहे थे पीएफआई के लोग, उनके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। तो पैसे मिल रहे हैं लाखों रुपए, इनके बैंक अकाउंट में आ रहा है लाखों रुपए, और कहां से आ रहा है तो मालूम चल रहा है कि किसी ड्राइवर ने उसे उसके बैंक में ट्रांसफर किया है। ड्राइवर अपने जीवन में उतने पैसे को कभी देखा नहीं होगा, जिस अकाउंट में कभी कोई पैसा नहीं आया उस अकाउंट से ट्रांसफर। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने बाकायदा इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। पैसे की बात है वो एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, इनके फोन कॉल को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, प्लस किस तरीके से सोशल मीडिया पे ये लोग हिंदू और मुस्लिम्स के बीच दंगा भड़काने के लिए मैसेजेस शेयर कर रहे थे वो भी सामने आ गया है। और तो और इन लोगों के आपस के जो व्हाट्सएप चैट और किस तरह से प्लानिंग ये लोग कर रहे थे, ये सारे सबूत पुलिस के पास हैं। और इसलिए इन लोगों को अब धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है, और पुलिस पकड़ते ही ये आप ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से अब तक क्या समझ में आ रहा है कि ये कि सीए के नाम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था और इसके जो प्लानर्स थे, इसके जो कर्ता धर्ता थे, जो देश की जनता को इस बात पे गुमराह कर रहे थे कि वो तो संविधान बचाने आए हैं, वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही लोग अंदर अंदर पर्दे के पीछे इस देश में दंगा कराने के लिए साजिश रच रहे थे। और इसमें बिल्कुल इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों ने यह सोचा था। आप देखिए सरजिल इमाम का पहला जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक टेलीविजन चैनल पे रिपब्लिक टीवी में, तो उसमें क्या पता चला था, वो ये कह रहा था कि हमें तो ये हिदायत दी गई है कि कहीं पे भी आप इतना बवाल करो जो विजुअली बड़ा पावरफुल हो, कि ताकि उसकी तस्वीर खींची जा सके, उसका वीडियो बनाया जा सके और हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और इसी यही पॉलिटिकल अवार्ड ऐसे थोड़ी मिलता है इन लोगों को। तो ये सारी चीजें अब ये खुल के सामने आ गई हैं। लेकिन दिल्ली दंगों में ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो वामपंथी, जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो इस्लामी ताकतों के साथ, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके दिल्ली को जलाने में जुटे हुए थे, इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इन लोगों ने लाख कोशिश की ये बताने की, ये प्रोपेगेंडा करने की, ये झूठ फैलाने की कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो एक तरफा मुस्लिम समुदाय का जो है जनसंहार किया गया है, वो थ्योरी तो ये ना साबित कर सके
ना इसको लोगों तक पहुंचा सके। अब उल्टा ये हो रहा है कि अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जो बातें सामने आ रही हैं कि ये जो शांति का ढकोसला करने वाले ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये अर्बन नक्सल से दिल्ली में जो 53 लोगों की मौत हुई है उसके गुनहगार हैं। पुलिस आगे किस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को लेके जाती है, कैसे इनके मास्टरमाइंड्स और इनके एक्टिविस्ट को पकड़ती है, इस खबर पे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।